कैसा पर्दा किए बैठे हो ओ रे जालिम, कहाँ रहते हो? कैसा पर्दा किए बैठे हो? दीदार को हुआ अरसा, और देखना मैं तरसा, कब मेरे तुम कहलाओगे, अब तो सावन भी बरसा। सहरा, आज ही बुलाओ उन लोगों को यहां पर। मैं एक मिनट इसको यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो ये चाहती है वो करो, शादी करके इसको रुखसत करो यहां से। ऐसे मत कहो अमजद, शादी से पहले तुम मुझसे इस तरह कभी बात नहीं करते थे। You were always concerned about me. You and your father fooled me that time. काश तुमने अपनी बात मनवाने के लिए सही तरीका आजमाया होता। तरीका सही भी होता ना मामा, तो पापा को मैं ही गलत लगती, क्योंकि आपके उस चहीते बेटे ने ना पापा के कान भर दिए। लोग यहाँ मसरूफ हैं और मुझे लगा मेरा कोई वेलकम करेगा। कैसी हो तुम अनिका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुमसे ना मैं बहुत खफा हूँ। क्यों, मैंने क्या किया? अरुण बिलीव दिस रजा, तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। पता है मेरे पापा के कितने क्लैशेस हो गए, कितनी डिप्रेस थी मैं। अगर तुम्हें ये पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ है तो तुम मुझसे शिकायत के बजाय हमदर्दी करोगी। अच्छा सुनाओ अपनी स्टोरी, मैं भी तो देखूं मुझे कितनी हमदर्दी होगी। यार एक्चुअली ऑफिस में एक गुंडा आ गया था, उसने मुझ पर गन तानी, मुझे डराया धमकाया, एंड आई डोंट नो कौन था क्या था, मुझे तो लगता है कि कोई गलतफहमी हो गई। ओह माय गॉड रजा, इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आई एम ऑलराइट टेनिका, डोंट वरी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। रजा तुम्हारी जो वाइफ है ना, आई मीन मुझे वो ठीक लड़की नहीं लगती। एक शरीफ और अच्छी लड़की के पीछे गुंडे क्यों पड़ेंगे? हाँ मेरा भी यही ख्याल है। एनीवेज तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे और पापा के क्लैश के बीच क्या हुआ। समझो क्लैश खत्म हो गया। दैट्स ग्रेट न्यूज रजा, पापा हमारी शादी के लिए मान गए। दैट्स ऑसम, तो फिर तुम परेशान क्यों? रजा पापा ने मेरे सामने दो ही ऑप्शन रखे थे, पापा या फिर तुम, और मैंने तुम्हें चूज किया रजा। अनिका तुम्हें तुम्हारे पापा को कन्विंस करना चाहिए था। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो बाहर चल के बात करते हैं। कॉफी पीना मैंने छोड़ दिया। क्यों? तुम्हें तो कॉफी की आदत है, स्पेशली मेरे हाथ की। हाँ, देन आई रियलाइज के कुछ आदतें बदल लेना ही अच्छा होता है। और वैसे तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम इस तरह की चीप टैक्टिक्स इस्तेमाल करके सब कुछ सेट कर दोगे, सब सही हो जाएगा? I don't want to live with you anymore. Got it? Please, Amjad, ऐसा नहीं को। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये लो, please मेरे हाथ की। Oh
हम साथ रह के भी साथ कब थे? तुम्हारे यहां आने से तुम्हें कोई फायदा तो पहुंचने वाला नहीं। बेहतर यही है मिस अनिला, दफा हो जाओ इस घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अमजद, तुम उस लड़की की मोहब्बत में इतना आगे चले गए हो कि तुम्हें ये तक नजर नहीं आ रहा कि तुम मुझे कितना हर्ट कर रहे हो। उसको ब्लेम मत करो, जो कुछ किया है ना तुमने किया है। उस बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं। सब कुछ मैंने किया है। पापा भी यही कहते हैं कि मुझे मेरी गलतियों का रेक्टिफाई करना चाहिए, इसी में हम सब की बेहतरी है। तो तुम यहाँ पे अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए आई हो? मुझे अंदाजा था कि तुम कभी नहीं बदल सकती हो। कुछ चीजें और कुछ इंसान कभी नहीं बदल सकते। तुम आज भी उतनी सेल्फ सेंटर्ड हो, सेल्फिश हो और साइको तो तुम हो ही हो। अमजद, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। मैं भी चिल्ला सकता हूं। बेहतर यही है कि तुम अभी इसी वक्त दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार मार के इस घर से निकाल दूंगा। समझी? इट्स इनफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी अच्छी पोस्ट हासिल कर ली और हमें मिठाई भी नहीं खिलाई। देख लिया तुमने कितने फ्लर्टी इंसान निकले हैं ये रजा सर। एक बीवी के होते हुए दूसरे शादी कर रहे हैं, वो भी डंके की चोट पर। दूसरी शादी? हाँ, तुम्हें नहीं पता? अरे भाई, इस लड़की अनिका ने खुद मुझे बताया कि ये सर की फियांसी है। फियांसी? अनिका? इसके साथ? यू ओके? अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अच्छा हो तुमने इस घटिया शख्स को रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। देखो तो सही, घटियापन की इंतहा। मैरिड होकर तुम्हें लाइन दे रहे थे और तुम हाथ ना आई तो किसी और के साथ। ये कैसे हो सकता? इतना बड़ा धोखा, वो भी अनिका। अरे तुम कहाँ खो गई? मैडम, अगर आपको आज अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते तो आप यहाँ नहीं आती, ना हमसे मिलने आती। और बंदा कॉल कर लेता है। अरे हाँ, कॉल से याद आया कि मेरी तुमसे लास्ट टाइम बात हुई थी तो तुम कहीं चली गई थी। उसकी थोड़ी देर बाद तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी, वो काफी परेशान थी। खैरियत है? सॉरी यार, मैं पूछना भूल गई थी, मेरे जहन से निकल गया था। इट्स ओके निदा, उस दिन मैं काम से गई थी। अब मैं चलती हूँ। अरे रुको, थोड़ी देर में साथ निकलते हैं। मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे जाना होगा। जी बिल्कुल, पेपर्स मिलकर काम खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसी बात नहीं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो पापा, आपके फोर्स करने पर मैंने अमजद को मनाने की कोशिश की, बट ही इज टोटली मैड। बहुत बेइज्जत किया इसने मुझे, एंड दैट्स इट, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन बेटा हुआ क्या? उसने आखिर ऐसा क्या कह दिया है? पापा आप पूछें कि क्या नहीं हुआ और इसने क्या नहीं कहा मुझे। इवन ही सेड कि निकल जाओ मेरे घर से और दफा हो जाओ।
वरना मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगा। I can't take this anymore, पापा। और मैं घर वापस आ रही हूँ। That's it। अरे बेटा वो गुस्से में होगा। Seriously, पापा? ये आप कह रहे हैं? पापा मैं घर आ रही हूँ। I can't take this anymore। बस इतनी जल्दी हार गई? मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। बेटा अगर तुम इस तरह घर आ गई ना तो याद रखो वापस कभी नहीं जा सकोगी। कोई कसर नहीं छोड़ी पापा इस इंसान ने मुझे बेइज्जत करने में। और अब अगर मैं इस इंसान के सामने गई ना तो न जाने क्या करेगा। मैं अकेले ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती। नहीं बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं खुद आता हूँ अमजद को समझाने के लिए। नहीं पापा, आप यहाँ नहीं आएंगे, हरगिज नहीं आएंगे। अगर इस इंसान ने आपकी बेइज्जती की ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ वो टोटली मैड हो चुका है और इस सवेरा के चक्कर ने ना उसे बिल्कुल पागल बना दिया। आप नहीं आएंगे। अरे डोंट वरी बेटा, मैं संभाल लूंगा सब, डोंट वरी। क्या सोचने लगी अनिका? पता है रजा, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर एक पल मुझे बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरत यादें बन जाता है वो, उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। यू आर सो केयरिंग, यू आर सो काइंड। बस मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि काश तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाए। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखूं तो मुझे तुम ही नजर आओ, और जब तुम अपनी आंखें बंद करो तो तुम्हें भी मेरा ही चेहरा नजर आए। तुम खुद को इतना अंडरएस्टिमेट क्यों करती हो अनिका? एक बार हमारा रिश्ता जुड़ जाए तो आई एम श्योर कि मुझे भी हर तरफ तुम ही तुम नजर आओ। वाकई? हाँ बिल्कुल। यानी जिंदगी में कुछ भी मुमकिन है, राइट? और वैसे भी मैं तुम्हारी मोहब्बत की बहुत कदर करता हूँ। रजा, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। ऑलराइट। अच्छा लिसन, जब वो तुमसे मिले और कुछ ऐसा वैसा कहें तो माइंड मत करना प्लीज। ऐसा वैसा लाइक? तुम्हें तो पता है हमारे सोसाइटी के रूल्स, अगर लड़की की शादी में उनके माँ बाप की मर्जी ना हो तो वो शादी नहीं बदनामी बन जाती है। चलो तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कब मिलना तुम्हारे पापा से? पता नहीं, मामा फोन करेंगी। और क्या पता अब तक अंकल को फोन कर चुकी हो। ठीक है ठीक है, देख लेते हैं। तुम परेशान मत हो। थैंक यू। लंच करें? हाँ बहुत भूख लग रही है। प्यार से देखा और पूरे दिन में सिर्फ एक बार आई लव यू कहा। अनिका की बच्ची, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा शैतान इतना एक्टिव है। देखा कितना बदल गई हो तुम। बस तीन बार कबूल है कबूल है कबूल है क्या बोला? हम सब फजूल है फजूल है फजूल है हो गए। तो दोस्ती का फर्ज भी तो निभाना था। और कल जैसे ही मौसम तुम्हें फोन करेंगे ना, दूसरा फोन तुमने मुझे खड़काना और सारी डिटेल्स बतानी है। उजाला मैडम, कल रुखसती पढ़ना, तुम दोनों की बहुत पिक्चर देने वाली हूँ मैं। और जूते चुपाई की रस्म भी मैं करूँगी। बस यही कमी रह गई थी। तुम तो सब जानती थी अनिका, फिर भी उजाला, देखो मुझे साफ साफ बताओ हुआ क्या है।
वरना मैं खाला को जाके बता दूंगी कि तुम रो रही हो, वो पहले ही बहुत परेशान है। रोना बंद करो और मुझे बताओ। मुझे समझ नहीं आता सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता। तुम्हें पता है रजा आप किससे शादी कर रहा है? रजा फिर से शादी कर रहा है? किसके साथ? वाह वाह माशाल्लाह, बड़े दिनों के बाद आज तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए। बस डैड, मोहब्बत के मामले में भी इंसान खुदगर्जी होता है, जैसे अपने ब्रेड एंड बटर के लिए होता है। अच्छा सुनो, शाम को तैयार रहना, कहीं जाना है हमने, दावतनामा मिला है। जानता हूं डैड। तो फिर तुम्हारे जराए ने यह भी बताया होगा कि वहां कुछ भी ऑकवर्ड हो सकता है। डैड अब मुझे हैरत तब होती है जब कुछ ऑकवर्ड ना हो। अच्छा देखो, हमने वहां पे जो भी बात करनी है ना, एक ही करनी है, वो ये कि जितनी जल्दी हो सके शादी कर। बेटा बोर हो गया हूं अकेला घर में रह रहा है। मैं ये चाहता हूं कि घर में पोते पोतियां हो, खेलूं। प्लीज सर। वैसे एक बात है, अनिका अपने इरादों की बहुत पुख्ता है, आखिर उसने तुम्हारा दिल जीत लिया। पता नहीं डैड ऐसा है या नहीं, लेकिन मुझे एक चीज की खुशी है कि कम से कम अनिका की मोहब्बत कामयाब है। खैर आप अपनी बुक पढ़िए, मैं फ्रेश होकर आता हूं। बस किसी तरह ये शादी जल्द से जल्द खुश उसलूबी से हो जाए। मुझे उसकी शादी करने का दुख कभी नहीं होता, लेकिन वो अनिका से शादी कर रहा है। अनिका? अनिका तो वो ही है ना, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। मगर वो ऐसा कैसे कर सकती है तुम्हारे साथ? वो तो तुम्हारी बहुत करीबी दोस्त है। अगर मैंने खुद नहीं देखा होता ना, तो मुझे कभी यकीन नहीं आता। उफ, मेरे खुदाया, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा तुम कह क्या रही हो। और तुम उन दोनों को साथ देख कर आई और तुम यहाँ बैठ के रो रही हो। तुम्हें यहाँ बैठ के रोना नहीं चाहिए, उन दोनों को रुलाना चाहिए। उजाला तुम बहुत सीधी हो, तुम बहुत सीधी हो। उसे थप्पड़ मारती और उससे पूछती क्या वो नहीं जानती कि रजा तुम्हारा शौहर है। इसी बात का तो रोना है, रजा तो हमेशा मुझसे बेखबर रहता, मगर उसको तो सब कुछ मालूम था ना, फिर उसने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारे शौहर को तुमसे हथियाना चाहती है, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। और क्या वजह हो सकती है? नियत खराब हो गई है उसकी रजा पर। कहाँ गई थी तुम? आप क्यों पूछ रहे हैं बाबू? आप तो मुझसे अब बहुत नफरत करते हैं ना, अपने दिल से ही मुझे निकाल चुके हैं, बस इस इंतजार में कि कब मुझे इस घर से भी निकाल दें। अनिका बेटा तुम आ गई? हाँ आ गई। सायरा क्या तुमने इसे खानदानी लड़कियों के तौर तरीके बिल्कुल नहीं सिखाए? और सुनो, जब तक तुम यहाँ मेरे घर में हो, मैं तुम्हें अपनी इज्जत से खेलने नहीं दूंगा। हमारे खानदान की लड़कियां इस तरीके से बाहर लड़कों के साथ घूमती नहीं फिरती। बेफिक्र रहे पापा, अपने दिल से तो आप मुझे निकाल ही चुके हैं, और रही खानदान की बात, तो जल्द आप मुझे अपने खानदान से भी बेदखल कर देंगे। बेटा इतनी बेहिसी बदगुमानी इसमें कहां से आ गई? सायरा कूल डाउन जीशान। जीशान क्या हम अपनी औलाद की खुशी में खुश नहीं रह सकते? सायरा क्या तुम भी अपनी बेटी की तरह मुझे ही मुजरिम समझती हो? एक बाप अपनी बेटी का बुरा कैसे चाह सकता है? ये मैंने कब कहा? मैं तो ये कह रही हूँ कि इसे बस इसके हाल पर छोड़ दिया। अब वो अंधे कुएं में छलांग मारना चाहेगी तो मैं उसे छलांग मारने दूं। मां की ममता तो सबको समझ आ जाती है, बाप की मोहब्बत को कोई क्यों नहीं समझता? क्या यही औलाद है
जिसकी खातिर मैं दयार खैर में मेहनत करता फिरता हूँ, मुझे क्या पता था कि यही औलाद उससे दूर हो जाए। या अल्लाह तो मेरे बच्चों पर और मेरे घर पर रहम फरमाओ।